ये देखो भाई, ये जल्दी जल्दी ये तैयार होते रहते हैं रोल यहाँ पे। ये चीज आप आए हो गोलगप्पे टेस्ट ना करें, ये हो नहीं सकता। ओए होए 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 भाई, ये सीधा सीधा जो है ना वो कढ़ाई से निकल के, ओए होए हो, ये आ गए भाई हमारे डायनामाइट प्रॉन्स। मेरे को 17 इयर्स हो गए, भाई को 12 इयर्स हो गए इस लाइन में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके तारिक रोड पे, और शॉपिंग हब है ये। ईद का ज़माना चल रहा है आप लोगों को मालूम है, और लेट नाइट तक यहाँ पे जो है ना वो बहुत रश रहता है। आज हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे खाने पीने की, यहाँ पे देखेंगे ईद का क्या माहौल है, और हमारी एक गेस्ट हैं जो कि जर्मनी से आ रही हैं मेहमान हमारी, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएँगे, उनके साथ भी थोड़ा खाना पीना खाएँगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। क्या हाल है? ठीक है, चलो थैंक यू। जो हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है मोना, और उनको हमने सिल्वर स्पून पे खाया है आने के लिए, वो अभी आने ही वाली होंगी, उनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि ये एक आइकॉनिक जगह है लिबर्टी के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। कैसे वाली साहब, यहाँ पे देखें भाई सिल्वर स्पून के ऊपर फुल रश चल रहा है, कबाब रोल बनते जा रहे हैं। बहुत स्पीड से जो है ना वो तैयार होते हैं। कितनी सीखें डालते हैं कबाब में? एक ही सीख में डालते हैं, या बीफ के कम होते हैं तो और भी डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, अगर सीख में कम होता है तो और डाल देते हैं। ये अच्छी बात है यार, यहाँ पे ये कढ़ाइयाँ वगैरह भी इनकी तैयार होती हैं, और असल में जो पराठे बन रहे हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, ज़बरदस्त। इस पराठे का जो टेस्ट है ना वो है ही अलग। वो आ गई मेरे सामने, वो आ गई। सलाम वालेकुम, कैसी है? खैरियत से है? ठीक ठाक है? ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई। ये है मोना और ये इनके साहबजादे हैं मुनीब। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल खैरियत से। मोना जो है बेसिकली जर्मनी में एक वेब टीवी है, उसका नाम है देसी मीडिया जर्मनी है, और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है मोना व्लॉग्स। आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सही बात है, और आज हम आए हैं सिल्वर स्पून के ऊपर क्योंकि आइकॉनिक जगह जो है ना, मैंने सोचा इनको थोड़ा सा स्ट्रीट फूड दिखाया जाए, और आपकी फरमाइश भी यही थी कि जरा जो मजा स्ट्रीट फूड में लोकल चीजों में है वो दूसरों में नहीं है, तो यहाँ पे आए और सिल्वर स्पून का रोल ना ट्राई करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम जरा सिल्वर स्पून पे देखते हैं क्या माहौल है और इनका रोल ट्राई करते हैं। चलें चलें। भाई सिल्वर स्पून की मैं थोड़ी सी आप लोगों को हिस्ट्री एक दफ़ा फिर रिवाइंड करा दूं कि सिल्वर स्पून ये जो कबाब रोल है ना कराची का मशहूर, इसके पाइनियर्स जो हैं वो सिल्वर स्पून है। 1970s में ये शुरू किया गया था यहाँ पे, और उसके बाद फिर कराची से लेके पूरे पाकिस्तान तक ये कबाब पराठा रोल जो है इसका एक ट्रेंड बन गया, लेकिन इसके जो पाइनियर है वो है सिल्वर स्पून, और इनका पराठा रोल का टेस्ट भी जो है ना वो वही है जो शुरू से था। पराठा भी इनका ज़रा डिफरेंट तरह का होता है। तो अभी हम यहाँ पे ज़रा ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रिल लगी हुई है, इसके ऊपर कबाब जो है ना वो सेके जा रहे हैं, खुशबू भी बहुत आला आ रही है, बहुत ही स्पीड में काम चल रहा है यहाँ पे। होना जो है यहाँ पे ज़रा गोलगप्पों के मज़े ले रही हैं आप। यहाँ के आप आए हो गोलगप्पे टेस्ट ना करें, ये हो नहीं सकता। सही बात, मैंने कहा ज़्यादा बार अपने शॉर्ट्स कर रहे हैं, मैं यहाँ पर गोलगप्पे ट्राई कर लूँ में डाल दो जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, सबसे पुराना बंदा ये, सबसे पुराना बंदा ये, मैं मिला हूँ पहले इनसे मिला हुआ है। बहुत खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। एक चिकन मायो गार्लिक, एक चिकन मायो गार्लिक, चार चिकन है भाई, चार। चले जी, ये जबरदस्त हमारा जो है ना वो रोल आ गया है सिल्वर स्पून का, और ईद का माहौल हो, रमजान हो, चांद रात का सीन हो, और ये ना हो रोल, तारिक रोड हो और ये रोल ना हो, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। बिल्कुल, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और ये इनकी जो मज़ेदार सी चटनी है, ये देखिए नाज़रीन, ये चटनी, और मैंने तो चिकन का मंगवाया है, ये देखिए जनाब, और मैं इसको टेस्ट करती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह। वाह, आप कितने साल बाद आई हैं कराची? मैं 8 साल बाद। 8 साल बाद आई हैं, तो ये टेस्ट 8 साल पुराना है? ये टेस्ट जो स्पाइस है उसमें, जो मसाले और खटास जो इसकी कबाब की, वो है ना वो बेस्ट है, और ये वही टेस्ट है जो हम बचपन में खाते थे। वही है। असल में ये जो पराठा है ना, ये वो पूरी पराठा नहीं है जो नॉर्मल पूरी पराठा होता है, इसके पराठे का जो टेस्ट है वो थोड़ा
डिफरेंट तरह का है और बहुत ही मज़ेदार। और ये जो एक्सप्रेशन होते हैं और कहिए से ठीक ठाक है। आपका शुक्र जी, जबरदस्त। आपके फैंस खड़े हुए हैं, आप फारी बोल रहे हैं तो एक नहीं मैं हम फारी ही हूँ। आपके तमाम जितनी भी आपकी सीरीज हैं वो सारी की सारी देख रहे हैं, बड़ा काफ़ी पहले से देखते चले आ रहे हैं माशाल्लाह से। चले सिल्वर स्पून के बराबर में ये अर्रहमान बिरयानी सेंटर भी बना हुआ है और अर्रहमान बिरयानी जो है ना वो है खारादर की। अब ये खारादर वाली है कि नहीं ये ज़रा पूछ लेते। सलाम अलैकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये खारादर वाली है? खारादर वाली नहीं, ये अलग सी है। है ये अलग है, ये अलग है ना। ये भाई बिरयानी की देख बहुत ही ज़बरदस्त थी। क्या हाल है? ठीक है, चिकन बिरयानी कितने की? 220 दो चिकन बिरयानी। हाँ हाँ बैठ गए। जर्मनी का मौसम तो ठंडा होता है ना? जी बिल्कुल, जब भी आपके यहाँ पे पसीने छूट गए जरा सी देर में, यहाँ पे इनके पसीने छूट गए और कराची के हर गली कोने कूचे में आपको जो है ना वो बिरयानी मिल जाएगी। बिल्कुल, और मोस्टली बिरयानी जो है वो अच्छी होती है। कुछ आइकॉनिक बिरयानियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन ये बराबर में बिरयानी एक अर्रहमान बिरयानी है, तुमने कहा इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। बेहतरीन हो गई, ये आ गई बिरयानी। ये भी बिरयानी चख के देखती हूँ कि कैसी है जनाब। ओके, अच्छी मसाले वाली बिरयानी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फुल ऑफ स्पाइस। ये देखिए जनाब, चलें ये ज़रा बिरयानी टेस्ट कर लेते हैं भाई। ज़बरदस्ती बिरयानी, बिस्मिल्लाह। बिरयानी मज़ेदार है, नो डाउट, बहुत मज़े। इसमें जो मुझे तो मैं से बात खा रही हूँ तो मुझे तो वैसी बहुत टेस्टी लग रही है बिरयानी, और खास जो अपने देसी कराची का जो मज़ा आ रहा होता है इस बिरयानी में वो आ रहा है। सही बात है भाई, मैंने फर्स्ट टाइम खाई है सिल्वर स्पून के बराबर में अर्रहमान बिरयानी, लेकिन बिरयानी जो है ना वो अच्छी है, मज़ेदार है, नो डाउट, टेस्ट अच्छा है। क्रॉस करके देखते हैं। चले 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 भाई, ये पान पे कहाँ आ गई? अभी अब पान का नंबर नहीं आया है। अरे भाई, अब कराची आए और पान ना खाएं, ऐसा हो सकता है? नहीं आया ना अभी तो। अभी नहीं, मगर मैं मुझे जाना है, इस वक्त काफी देर हो गई, हमें तकरीबन आप सोचे कि 2.5 घंटे लगे इस छोटी सी वीडियो को बनाने में। सोचे कितना हार्ड वर्क होता है, और ये वाकई जिया भाई जो ये काम करते हैं भाई। असल में अभी आपको पता है कि ईद का चल रहा है ना, तो यहाँ पे पार्किंग, ये ढूंढना, आना जाना, ये सारी चीजें है। और आप अभी थोड़ी देर रुकती है और तो हम आपको और चीजें जरा सी जो है ना वो ट्राई करवा सकते थे, लेकिन आपको पता है थोड़ी ट्रैफिक वगैरह में तो मामला है। बिल्कुल, असल में यहाँ पर रश थोड़ा ज़्यादा है और फिर रात भी काफ़ी हो रही है, तो मैं सोचूंगी मैं इस वक्त आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मैं अपना लेती हूँ यहाँ से मीठा कराची वाला पान और ज़िया भाई भी, और उसके बाद जो है हम ये मैं तो अपना यहाँ पर इख्तिताम करती हूँ। मल्ला हाफिज़ कहेंगे यहीं पर, और फिर हम आगे ज़रा चल के देखते हैं और क्या माहौल चल रहा है भाई। बिल्कुल, तो फिर चले। दो पान दीजिएगा ज़रा मीठे ज़बरदस्त से। पुनीत तुम्हें लेना बेटा? बड़ा जबरदस्त VIP पान बन रहा है। ये कितने का एक पान? 50 रुपए का। 50 रुपए का एक पान है, ये बहुत ही हैवी ड्यूटी है, मीठे पान बन गए भाई। और ये बिल्कुल अर्रहमान बिरयानी से आगे आप आएंगे तो पान शॉप का क्या नाम है आपकी? मनशा पान शॉप का मीठा पान है भाई ये। चलो भाई, चलो जी, मेरा वाला तो पैक कर दे, हमारा अभी एंड नहीं हुआ है, हम एंड में खाएंगे ये पान। तो फिर चले। और बहुत शुक्रिया, आज हम ज़िया भाई के मेहमान थे और इन्होंने बड़ा तकल्लुक किया। नहीं, ये तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो स्नैक्स वाले आइटम है। बिल्कुल, इंशाल्लाह आए डिटेल में तो निहारी पाए वाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह खाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया। और ये है कि इंशाल्लाह ताला कमिंग सून हो सकता है कि आप इनको जर्मनी में देखें इंशाल्लाह। तो फिर चले। अच्छा भाई, मोना तो जा चुकी है और अब मैं आ गया हूँ ज़रा आगे थोड़ा सा, क्योंकि ये तारिक रोड बहुत बड़ा इलाका है। आगे डॉल्फिन मॉल है और इधर जो है ना ये मतीन सेंटर है। मतीन सेंटर के साथ ही एक रोड जा रही है जहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रीट फूड भी है, स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे ईद की ख़रीदारी हो रही है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, चूड़ियाँ, बच्चों की चीज़ें, बहुत हैपनिंग मॉल है। ज़रा थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ये भाई मतीन सेंटर, ये राबी सेंटर,
और उसके आगे वहाँ जाके आएगा डॉल्फिन मॉल। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र करम अल्लाह। ये मकई बन रहा है यहाँ पे, चना मकई मूंगफली। अरे कैरी आ गई है, कैरी आ गया भाई, कैरी आ गया, हम आने वाला है इसका मतलब। ककड़ी, कटारे, कैरी, सारे कैसे हैं ये चीज़ें। और ये अमरूद, ओए ओए स्पाइसी वाला मसालेदार, स्पाइसी वाला मसालेदार। समोसे चटनी वाले, बढ़िया यार, क्या सीन है ये, क्या है, क्या स्मोक लिमका है? स्मोक लिमका, स्मोक लिमका। ये स्मोक कैसे डाली इसमें तुमने? ये सर सोडा ही डाली है, सोडा ही, सोडा ही। स्मोक कैसे निकलती है? ये अपना नाइट्रोजन बर्फ होती है ना, इसको ठंडा करती है। कितने का है? 100 रुपये का। बनाओ जरा। अच्छा ये फ्लेवर इसमें डाला हुआ है आपने? सोडा ही। ओह यार ये आइटम जबरदस्त बना है सर, इसको जितना वेट करेंगे ना इतना टेस्ट बनेगा, 2 मिनट बाद। जितना इसको वेट करेंगे इतना टेस्ट बनेगा, जितना वेट करेंगे उतना टेस्ट बनेगा। वाह ये आइटम ज़रा डिफरेंट आया लड़का है। जी सर, ज़रा टेस्ट करते हैं ये नाइट्रोजन ब्लूबेरी लिमका। बिस्मिल्लाह, ठंडा भी कम है, टेस्ट अच्छा है, ठंडा थोड़ा कम है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसको ताकि ये जो है ना फुल ठंडा हो जाए। थोड़ा किसी को पता ही चले, पता चले क्या क्या आइटम है। हाँ भाई, अब हम आ गए हैं बहादराबाद पे, और बहादराबाद पे ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे मुख्तलिफ फूड कार्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पे पास्ता भी मिल रहा है, फ्राइज मिल रहे हैं, चाइनीज़ है, मुख्तलिफ तरह के आइटम्स हैं। चेक करते हैं क्या हो रहा है। फ्राइज बन रहे हैं, फ्राइज। ये पहले आपने मसाला डाल दिया इसमें, ये डिफरेंट रेटिंग है, तंदूरी मसाला, तंदूरी मसाला। क्या हाल है भाई? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, कैसे खैरियत से? वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक है। क्या बन रहा है? चाइनीज। किस नाम से आप लोगों का? वॉक वॉक ऑन, वॉक ऑन, वॉक ऑन, वॉक ऑन। ओए हो हो, चेक कर लीजिए, बहुत गर्म हो रहा होगा अभी तो यार। ओए होए 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 भाई, ये सीधा सीधा जो है ना वो वॉक से निकल के, कढ़ाई से निकल के ये इन्होंने कहा है चेक करें। ये है क्या? थाई स्टाइल कंग पाओ। बिस्मिल्लाह। ओए होए हो, कब मज़ा आया भाई, कब मज़ा है, बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन। चौमिन सर ख़त्म हो गया भाई, क्या क्या अवेलेबल है अभी? अभी कुछ चीज़ें काफ़ी शॉर्ट हैं, खत्म हो गई है, क्योंकि एंड होने वाले। हम क्या टेस्ट कराएंगे? हम के लिए इंशाल्लाह डायनामाइट प्रॉन्स ट्राई कराएंगे आपको, और वॉक ऑन फायर हमारा जो सबसे फेमस है वो ट्राई कराएंगे, स्पाइसी वाला वॉक ऑन फायर चिकन, जबरदस्त। आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान भाई, बड़ा जबरदस्त माहौल बना हुआ है भाई ने मुझे टेस्ट कराया अभी वॉक से, जरा वेरी नाइस। इंशाल्लाह ताला आप आए बाद, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत ही आला सीन बना हुआ है यहाँ पे। जो वाइब है ना इस कार्ट की, बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी, अब ब्लैक इन्वायरमेंट, और उसके अंदर जो खाना बन रहा है ज़बरदस्त। यहीं बराबर में ये गोलगप्पे भी लगे हुए हैं भाई, और एक और ये फ्राइज़ का स्टॉल लगा हुआ है, और वहाँ पे उधर मिल रहा है शावरमा वगैरह। तो पहले ज़रा यहाँ से चेक करते हैं, और ये देखें बड़े स्टाइलिश इन्होंने जो है ना वो रिक्शे के अंदर पूरा ये बनाया हुआ है। इसके ऊपर जो आर्ट वर्क है वो भी बहुत ही आला हुआ हुआ है, और अंदर भी बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। ये देखें भाई, ये ऑर्डर्स जो हैं वो होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। सलमान भाई, हमारा ऑर्डर लग गया है। जी सर, आपका ऑर्डर लग गया भाई। हमारे लिए थोड़ा अरे यार, ये तो मैं इसी तरह मैं जाऊँ ना फुल हो जाऊँगा। ये तो ये भाई अभी ये चाउमीन भी आया है साथ साथ चेक करने के लिए। रात के अभी 1 बज रहे हैं, माशाल्लाह लोग आके पूछते जा रहे हैं, और इनके पास चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं। नो डाउट अल्टीमेट टेस्ट है। आपकी वीडियो अच्छी। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप कौन सी क्लास में? KGC में। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मुस्तफा। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू यार, थैंक यू। डायनामाइट कौन? ये आ गए भाई हमारे डायनामाइट प्रॉन्स। ओए होए 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 हो, इसको इन्होंने डीप फ्राई किया है पहले, और उसके बाद इसके ऊपर ज़बरदस्त सा ये सॉस आया है,
बिस्मिल्लाह, मुँह में पानी आ रहा है भाई। प्रॉन तो मेरा वैसे भी फेवरेट है। छोटा सा ये कार्ड है एक, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना, दो चीज़ें इन्होंने पहले मुझे एक एक बाइट टेस्ट कराई और उसके बाद फिर ये डायनामाइट प्रॉन्स 700 के हैं ये। और ये प्रॉन का साइज़ आप चेक करें, मीडियम साइज़ के बड़े अच्छे मोटे मोटे प्रॉन्स हैं। और जो मेन चीज़ होती है ना, वो ये सॉस ही होती है भाई, बहुत ही बेहतरीन। क्रंची, क्रिस्पी, सॉसी। ये कितना टाइम हो गया आपके इस वॉकऑन को? 2 साल। अच्छा, 2 साल हो गए। बहुत अल्टीमेट टेस्ट है यार। सलमान भाई, ये जो टेस्ट है ये कैसे आपने डेवलप किया? सर, हम एक शुरू 17 इयर्स ओल्ड हो गए इस लाइन में मुझे। अच्छा। इंडस्ट्री जी, एज अ शेफ काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम किया, बड़े बड़े ब्रांड्स ओपन कराए मैंने। और ये भाई है मेरे, हम दोनों दोस्त भी हैं और पार्टनर भी हैं। काफ़ी अर्से से हम साथ काम कर रहे हैं। मेरे को 17 ईयर्स हो गए, भाई को 12 ईयर्स हो गए इस लाइन में। और सारी पैन इंडियन फूड में काम किया हमने, स्ट्रीट फूड कुजीन हमने मास्टर्स हैं इस टाइम। भाई जो टेस्ट है ना, माशाल्लाह, अल्टीमेट, नो डाउट। बहुत शुक्रिया जी भाई, बहुत नो डाउट। छोटी सी जगह पे आपने बहुत बड़ा मेन्यू रखा हुआ है, माशाल्लाह। हम एज अ रेस्टोरेंट जो भी, जो इसे डायनामिक पॉन इस टाइम रेस्टोरेंट में कीमत जो है वो 1800 रुपये। हाँ। हम इसको 700 में दे रहे हैं और वही क्वालिटी, वही साइज, वही चीज़ है। हाँ, सेम क्वालिटी, सेम है। ये हमारी सबसे स्पेशल डिश है वॉकऑन फायर। भाई ये तो मुझे जो है ना, ये जो ऑर्डर्स हैं, जाहिर सी बात है कि अभी एक क्लोजिंग का टाइम हो रहा है क्योंकि इनके ऑर्डर सारे फिनिश हो गए, आखिरी आखिरी के दिन चल रहे हैं चांद रातों के। और ये थोड़ी थोड़ी सी मुझे टेस्टिंग कराते जा रहे हैं। ये है इनका स्पेशल वॉक ऑन फायर चिकन। बिस्मिल्लाह। उससे पहले हमने ट्राई किया था थाई स्टाइल गंग पाओ, ये है वॉक ऑन फायर। ये थोड़ा स्पाइसी है, चिकन भी बड़ी जूसी है और उसका टेस्ट, इसका टेस्ट दोनों डिफरेंट, अल्टीमेट चाइनीज़, बेहतरीन यार। वॉक ऑन फायर चिकन हमने वैसे तो टेस्ट कर ली, इसको राइस के साथ टेस्ट करते हैं भाई। बिस्मिल्लाह। कोई कोई जायके ऐसे होते हैं जगह जो आपको टेस्ट जो है ना वो याद रह जाता है, आपके ज़बान पे रह जाता है। जैसे मैंने अभी प्रॉन खाए ना, तो वो प्रॉन मैंने खा तो लिए लेकिन उसका जायका अभी भी मेरी ज़बान पे है। तो भाई ये जगह जो है ना मेरी नज़रों से ओझल थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया। ये भाई वॉक के बराबर में उधर मिल रहा है पास्ता, इधर ये चाइनीज़, और यहाँ पे सॉल्ट पे मिल रहा है शारमा। भाई ये शारमे का सीन बना हुआ है यहाँ पे। तो शारमा कौन सा वाला है भाई, पाकिस्तानी, अरबिक, ऑथेंटिक, कौन सा? अरबिक भी है, पाकिस्तानी भी है। अच्छा, सारे मिलेंगे? जी जी, 4 फ्लेवर होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? बेरुती होता है, टर्क होता है, लेबनान होता है, एशियन डायनामाइट होता है। एशियन डायनामाइट पाकिस्तानी होगा मुझे लग रहा है। तो मुझे ज़रा तुम जो है ना वो तो टर्किश वाला दो, टर्किश। क्या क्या डाल रहे हो? ये गार्लिक है। हाँ। और ये हमस है। हमस जी। और ये वाले, ये सारे तो उसी में डलते हैं अरबिक वाले में। पाकिस्तानी बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं? उसमें अलग तरीके से बनता है वो। हैं? अच्छा। तो ये पाकिस्तानी वाला होता तो उसमें क्या करते हैं? ये स्पाइस डालते हैं। अच्छा, ये सॉस है, ये जरा सा थोड़ा सा चटपटा करने के लिए। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके भाई, ये आ गया हमारा शारमा। चलें जी टेस्ट करते हैं ये तुर्क शारमा। बिस्मिल्लाह। शारमे का असल मज़ा जो है ना, वो जो ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स हैं हमस वगैरह उसी में है। और ये जो चिकन है इनकी, वो भी कुछ मैरिनेटेड है, तो जायका बड़ा अच्छा आ रहा है। और ये जो फूड कार्ट्स हैं सारे यहाँ पे, ये स्नैक्स के तौर पर ही हैं, लेकिन ये जो चाइनीज़ का सेटअप है ये काफ़ी ग्रैंड है, काफ़ी बड़ा मेन्यू है इनका। वरना आप ये ऑन द गो वाली चीज़ें शारमे पे रुकें, पास्ता रुकें, यहाँ गाड़ी में बैठ के खाएं या साथ ले जाएं। चिकन भी काफ़ी अच्छी है, जूसी और स्टफ। ये आपके फूड कार्ट को कितना टाइम हो गया भाई?
सर हम लोग 5 साल से हैं। 5 साल से हैं जी जी। शावरमा ही है सिर्फ? जी जी शावरमा है, बीच में हमने बर्गर वगैरह स्टार्ट किए थे बट कुछ वजहों से हम लोगों ने इसको जो है बंद कर दिया। अब इंशाल्लाह ईद के बाद वापस से रीओपन करेंगे। ओके ज़बरदस्त है शावरमा, मज़ेदार है। थैंक यू सर। ये चाइनीज़ का सेटअप, ये शावरमा और ये बीच में भाई लिमका तो बनता है। यहाँ ये लेमन रखे हुए हैं, यहाँ पे ये सारे फ्लेवर्स, ये आ गया मिंट। वाह भाई वाह, सोडा भी आ गया, काला नमक, पुदीना, लीमू और फिर उसके बाद लेमन का फ्लेवर। ये तैयार हो गया मिंट लेमनेड। वाह भाई, पराठा रोल खाया, बिरयानी खाई, यहाँ पे चाइनीज़ खाया, उसके बाद शावरमा खाया, तो भाई ये मिंट लेमनेड तो उसके बाद बनता है ना। और ये पी के जो ठंड पड़ती है उसकी बात ही और है। हाँ रुका नहीं जा रहा इधर चाइनीज़ के बराबर में, बिल्कुल ये मुस्तकीम भाई का सेटअप, इनको पहचान लें और इनसे आके ये मिंट लेमनेड ख़ास तौर पे पीना ज़रूरी है। 150 ओनली, ज़बरदस्त। और भाई ये पान जो हमने लिया था मोना के साथ, इसका नंबर आया है अब। भाई एक आम बंदा जो है ना, वो एक चिकन रोल और एक बिरयानी खा के उसका पेट भर जाता है, लेकिन हमारा मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। मोना तो चली गई थी ये पान खा के, लेकिन हमारा नंबर आया है अब आखिर में इस पान को खाने का। ये चेक करें आप। भाई वाह, और इसी के साथ मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ईद की खुशियां मनाइए और खुशियों में सब लोगों को याद रखिए, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, गरीबों को, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।